आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह में संकलित घनानंद के पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि घनानंद रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि रहे हैं और उन्होंने अपनी प्रेयसी सुजान को लक्ष्य करके अपनी कविताएं लिखी है। प्रथम छंद देखिए। रूप निधान सुजान सखी जब तें इन नैनन ने कु निहारे दीठ थकी अनुराग छकी मति लाज के साज समाज बिसारे एक अचंभो घनानंद है नित ही पलपाट रहे हैं उघारे तारे तरे नहीं तारे कहूं सु लगे मनमोहन मोह के तारे। रूप निधान सुजान सखी, सखी से मन की बात कही जा रही है कि जब से इन नेत्रों ने रूप की निधान कहते हैं खजाना, जब से रूप के आगार सुजान को इन नेत्रों ने है सखी देखा है, नेकु निहारे एक झलक मात्र देखी है, नेकु थोड़ा सा जरा सा देखा है, दीठी थकी तब से मेरी दीठी माने दृष्टि थक गई है, अर्थात दृष्टि निरंतर उस दिव्य सौंदर्य को देखते रहना चाहती है और देखते देखते थक सी गई है, किंतु नेत्र या मानस की जो पिपासा है वह शांत नहीं हो रही है। दीठी थकी अनुराग छकी, और दृष्टि अनुराग से छक गई है, तृप्त हो गई है, प्रेम से तृप्त हो गई है। मति लाज के साज समाज बिसारे, बुद्धि ने लाज के सारे साजो सामान और सामाजिक जो लज्जा का भय है उसे बिसार दिया है, त्याग दिया है, अर्थात बुद्धि ने यह भुला दिया है कि इस प्रकार प्रेम में निमग्न देखकर समाज क्या कहेगा। एक अचंभो भयो घन आनंद, घनानंद कवि कहते हैं कि एक बड़ा ही आश्चर्य हुआ है, बड़ा ही आश्चर्यजनक कार्य घटित हुआ है, नित ही पलपाट उघारे कि नित्य ही पलपाट पलक रूपी किवाड़ उघारे रहते हैं, खुले रहते हैं, अर्थात जब से नेत्रों ने सुजान प्रिय के दर्शन किए हैं, यहाँ सुजान प्रेयसी सुजान भी है और कालांतर में घनानंद का जो प्रेम था वह लौकिक से अलौकिकता की ओर अग्रसर हो गया है, इसलिए यहाँ पर सुजान का तात्पर्य कृष्ण भी है। तो जब से नेत्रों ने उस सौंदर्यशालिनी सुजान या सौंदर्य के आगार कृष्ण के दर्शन किए हैं, तभी से नित ही पल पाट उघारे, नित्य प्रति पलक रूपी किवाड़ हमेशा खुले ही रहते हैं। तारे टरे नहीं तारे, तारे का तात्पर्य है यहाँ नेत्र तारक, नेत्र की जो पुतलियाँ हैं, तारे टरे नहीं, तारे मतलब हटाने से भी, टरे नहीं हटती है, टालने से भी नहीं टलना, मुहावरा प्रयोग भी है यहाँ, हटाने से भी नहीं हटना, अर्थात नेत्र उस रूप माधुरी पर चिपक से गए हैं और पुतलियाँ टारे टरे नहीं, हटाने से भी नहीं हटती हैं। कहूँ ऐसा लगता है जैसे सुलगे मनमोहन मोह के ताले, जैसे मोहन के मोह के ताले, मनमोहन मोह के ताले, मोहन के मोह रूपी प्रेम रूपी ताले, तारे जो आगे तारे है उसका तात्पर्य है, यहाँ श्लेष से दो तीन अर्थ होंगे, पहला अर्थ होगा तारे का तात्पर्य, यहाँ होगा ताले, और सुलगे का तात्पर्य सुलगे भली प्रकार लग गए हैं। ऐसा लगता है जैसे मनमोहन के मोह के, कृष्ण के प्रेम के ताले इन नेत्रों की पुतलियों में भली प्रकार से लग गए हैं, जिससे कि यह टारे टरे नहीं, हटाने पर भी नहीं हटती, यथारूप रहती हैं पुतलियां, निरंतर एक टक टक टकी लगाकर उस रूप सौंदर्य माधुरी का पान करती रहती हैं। पहला अर्थ है यह। अंतिम पंक्ति के तीन अर्थ होंगे। यहाँ पर सुलगे जो शब्द है उसका एक तात्पर्य है सुलगे, भली प्रकार से लग जाना। सुलगे का दूसरा अर्थ है सुलगना, जलना, और तीसरा अर्थ है जलन होना। इसी प्रकार अंतिम जो शब्द है तारे, उसका एक अर्थ होगा ताले लगना, दूसरा है तारे,
आसमान में जो तारे हैं, और तीसरा अर्थ होगा तैरना। इस प्रकार इस पंक्ति के हम तीन अर्थ कर सकते हैं। अंतिम पंक्ति के पहला अर्थ अभी हमने किया कि मोहन के मोह के ताले भली भांति लग गए हैं और इसीलिए पुतलियां टालने से भी नहीं टलती, हटाने से भी नहीं हटती, नेत्र निरंतर उसी कृष्ण की रूप माधुरी का पान करते रहते हैं। दूसरा अर्थ देखिए, सुलगे मन मोहन मोह के तारे, मोहन के प्रेम जल में, मोह जल में यह सराबोर होकर तारे तैरते रहते हैं। क्या तैरते रहते हैं? नेत्र, नेत्रों में निरंतर विरह के कारण पानी भरा रहता है और ये पुतलियां उस पानी में तैरती रहती हैं, निरंतर मनमोहन के मोह जल या प्रेम जल में भीगी रहती हैं, तैरती रहती हैं, किंतु फिर भी सुलगे यह निरंतर सुलगती रहती हैं, वियोगाग्नि में सुलगती रहती है। देखिए बड़ी विपरीत बात है कि यदि कोई चीज़ जल में डूबी हुई रहेगी तो फिर सुलगेगी कैसे, लेकिन यहाँ नेत्रों की विषम स्थिति थी। यही तो घनानंद बता रहे हैं कि एक अचंभो भयो घन आनंद, कि एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना हो रही है कि नेत्रों की पुतलियाँ निरंतर प्रेम जल में, मोह जल में, कृष्ण के मोह जल में डूबी रहती हैं, लेकिन फिर भी वियोगाग्नि में झुलसती रहती हैं और यह नेत्र तारक टारने से भी नहीं टरते। तीसरा और अंतिम अर्थ देखिए, प्रिय की प्रतीक्षा में, क्योंकि टक टकी लगाकर जो नेत्र हैं वे कहाँ देखते रहते हैं? आसमान में देखते रहते हैं, तारों की ओर देखते रहते हैं, और फलस्वरूप मनमोहन के प्रेम में, प्रिय की प्रतीक्षा में नेत्र निरंतर टकटकी लगाकर तारों को देखते रहते हैं और फलस्वरूप सुलगे इन नेत्रों में जलन होने लगती है। स्वाभाविक प्रक्रिया है कि यदि हम किसी एक ही चीज़ को निर्निमेश देखते रहेंगे, अपलक देखते रहेंगे, तो हमारे नेत्रों में जलन होने लगेगी। तो यहाँ उसी को बताया गया है और सुजान के प्रति एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है। पूरे पद में सवैये में अनुप्रास अलंकार है और अंतिम पंक्ति में विरोधाभास अलंकार भी है कि मन मोहन के प्रेम जल में सराबोर रहते हैं, तैरते रहते हैं, लेकिन फिर भी सदैव सुलगते रहते हैं। श्लेष अलंकार है, सुलगे और तारे में मोह रूपी ताले लगना, पलक रूपी किवाड़ खुले रहना, यह रूपक अलंकार है। और तारे टरे नहीं, हटाने पर भी नहीं हटना, टालने पर भी नहीं टलना, मुहावरे का प्रयोग भी है, ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग घनानंद ने किया है। दूसरा सवैया देखिए, झलकें अति सुंदर आनन गौर, छके दृग राजत कानन इछवे, हसी बोलन में छवि फूलन की, वर्षा उर ऊपर जाती है वह, लटलोल कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जल जावली द्वय, अंग अंग तरंग उठे दुतिकी, परिहें मनोरूप अभय धर छवे। इसमें कवि ने सुजान की जो बाह्य रूप माधुरी है, उसका जो आकर्षक और मनमोहक सौंदर्य है, उसका जीवंत चित्रण अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया है। झलके अति सुंदर आनन गौर, सुजान का जो अत्यधिक सुंदर और गौर वर्ण वाला आनन मुख है, झलके वह अत्यधिक झलकता है, दमकता है, सौंदर्य झलक पड़ता है उसमें। छके द्रग राजत काननी छवे, और छके द्रग उस नायिका के नेत्र कैसे हैं? छके हुए, मस्ती से छके हुए, मद भरे नेत्र हैं। छके द्रग राजत अत्यधिक सुशोभित होते हैं, मस्ती से परिपूर्ण नेत्र अत्यधिक सुशोभित होते हैं, और वे कैसे हैं? काननी छवे, जो कि कानों को छूने वाले हैं, अर्थात अत्यधिक बड़े बड़े दीर्घ और अनियारे जो नयन हैं, मस्ती से छके हुए उसके नेत्र अत्यधिक सुशोभित होते हैं। हंसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा, और जब वह हंसकर बोलती है तो छवि शोभा, हंसकर बोलने की जो शोभा है वह कैसी लगती है? फूलन की वर्षा, ऐसा लगता है जैसे पुष्प वृष्टि हो रही है। जब वह हंसकर बोलती है तो शब्द इस प्रकार निकलते हैं जैसे फूलों की बरसात हो रही है। उर ऊपर जाती है वह, और कहाँ होती है? उर ऊपर, जिसके प्रति बोलती है उसके हृदय पर पुष्प वृष्टि सी हो जाती है, उसका हृदय उस सहज प्रेम और कोमलता से भर जाता है। लटलोल कपोल कलोल करे,
और बालों की चंचल लट, लोल कहते हैं चंचल को, कपोल माने गाल, कलोल करे क्रीड़ा करती है, उसके बालों की चंचल लटें गालों पर क्रीड़ा करती रहती है। देखिए गोर वर्ण का मुख है और उस पर काले बालों की लट क्रीड़ा करना उस सौंदर्य की और अभिवृद्धि करता है। कल कंठ बनी जलजावली द्वे, और कल कंठ उसके कल सुंदर कंठ में, सुंदर गले में जलजावली द्वे, दो लड़की जलज अवली, जलज कहते हैं कमल को, दो लड़की कमल पुष्प की माला सुशोभित है, या दो लड़की जलजावली यहाँ मोतियों की माला के लिए भी हो सकता है। अंग अंग तरंग उठे दुतिकी, इस प्रकार उसके अंग प्रत्यंग में तरंग उठे, लहरें उठती हैं किसकी, शोभा की। अर्थात अंग प्रत्यंग ऐसा है कि जिधर दृष्टि जाती है उधर ही शोभा की, सौंदर्य की, सुंदरता की लहरें उठती रहती हैं। परिहें मनोरूप अभय धर च्वे, और ऐसा लगता है मानो उसका जो रूप सौंदर्य है वह किसी न किसी अंग से अभी धरती पर चू पड़ेगा, टपक पड़ेगा। अर्थात शोभा का जो समुद्र है वह इस तरह छलकता रहता है, उसके सौंदर्य सागर जो है वह इस तरह छलका पड़ता है कि जैसे अभी अभी वह टपक पड़ेगा। तो यहाँ पर सुजान के रूप का, सौंदर्य का बड़ा ही जीवंत चित्र खींचा गया है कवि के द्वारा, घनानंद के द्वारा। अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, लट लोल कपोल कलोल, लोल शब्द यानी चंचल और कलोल में भी लोल आया है वह क्रीड़ा। इसी प्रकार अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। परिहे मनोरूप अभय धर च्वें, मनो शब्द जो है वह उत्प्रेक्षावाची है और मुहावरा प्रयोग भी किया है, शोभा के फूल बरसना है ना, हंसी बोलन में छवि फूलन की, शोभा के फूलों की वर्षा होती है। इसी प्रकार अंग अंग तरंग उठे द्युति की, द्युति की तरंग उठना, तो इस प्रकार कवि की मुहावरेदार और अलंकार युक्त भाषा है। लेकिन इनके अलंकार भाषा में जो है वह बड़ी सहजता से आए हैं, ब्रज भाषा का माधुर्य हमें यहाँ पक पक पर दिखाई देता है, सवैया छंद है।